गाइस, स्वागत है आप सभी का द मास्टर साहब पे। दोस्तों, अभी जो वैकेंसी मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, ये आपको सहरसा से आई है और बहुत सारे हमारे साथी हैं जो सहरसा से रिलेटेड हैं और उन्होंने कई बार कमेंट भी किया कि सर सहरसा से आएगा तो जरूर बताइएगा। और एक हमारे साथी हैं जो हर वीडियो में कमेंट में करते कि सर गया से आएगा तो जरूर बताइएगा। तो भाई आएगा तो जरूर बताएंगे और मैं ये भी लिखता भी हूँ कि अगर आएगा तो अपडेट जरूर मिलेगा और मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ऑथेंटिक अपडेट मिले, गलत जानकारी नहीं मिले। ठीक है गेस्ट का और हम कॉन्ट्रैक्ट पे बता रहे हैं, है कुछ और हम आउटसोर्सिंग बता रहे हैं, तो ये सारी चीजें मैं नहीं चाहता हूँ कि आप तक मिस इन्फॉर्मेशन जाए। ठीक है, और आप जितना प्यार दे रहे हैं इस चैनल को यही बहुत है और बहुत अच्छा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो इसीलिए मैं इस मिस इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता हूँ। इसीलिए थोड़ा हो सकता है कि कहीं आपको पहले ये वीडियो मिल जाएगा, बाद में मेरा आएगा एक दिन बाद, लेकिन आपको मिस इन्फॉर्मेशन मैं देने की कोशिश नहीं करता। अगर कुछ गलत आता है, आप लोग का कमेंट आता है, तो मैं उसको, अभी तक तो नहीं हुआ, एक बार हुआ था तो मैंने उसको तुरंत हटा दिया था, विद इन 1 आवर के अंदर ही हटा दिया था। तो अभी जो सहरसा से आया है इसमें लेक्चरर का पद है, ठीक है, और मैं बार बार बता रहा हूँ AICT का नाम मैं पहले हर जगह बताता हूँ, ताकि कोई नए लोग भी अगर वीडियो देखें तो उनको पता चल जाए। तो लेक्चरर का पोस्ट जो पॉलिटेक्निक कॉलेज में होता है, ठीक है, लेक्चरर का जो पोस्ट पॉलिटेक्निक कॉलेज में होता है दोस्तों साथियों, उसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है BTEC होता है या BE होता है। अगर आप BTEC किए हों या BE किए हुए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बट अगर आपके पास MTech किया हुआ है तो आपको प्रीफ्रेंस मिलता है, प्लस आपके पास अगर PhD है तो भी प्रीफ्रेंस मिलेगा, प्लस आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो भी आपको प्रीफ्रेंस दिया जाता है। ठीक है, इसमें एक और शर्त होता है कि जो रिटायर्ड होते हैं, रिटायर्ड पर्सन होते हैं, उनको भी प्रीफ्रेंस दिया जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि अगर आप GATE निकाले हुए हैं तो आपको और भी ज़्यादा प्रीफ्रेंस दिया जाता है। तो ये तो क्वालिफिकेशंस की बात हो गई। अगर हम बात करें इसी में, अगर रिम्यूनरेशन की बात करें तो ये आपको मिलता है 1400 पर क्लास के हिसाब से। ठीक है, 1400 पर क्लास के हिसाब से ये आपको मिलेगा, 45,000 रुपया मैक्सिमम मिल सकता है मंथ में, यानी मंथ में जो आप क्लास ले रहे हैं उसको 1400 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। अब उस हिसाब से तो वीक में 4 संडे होता है, 225 डेज होता है, तो ऐसा नहीं है एक दिन में आपको 2 क्लास भी मिल सकता है, कभी 3 क्लास भी मिल सकता है, तो वो एड ऑन होके 45,000 तक वो आपको मैक्सिमम दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि ये जो 45,000 है ये प्रिंसिपल के हैंड में नहीं होता है, ये जो विभाग होता है ना, विभाग, ये विभाग आपका जब यहाँ से प्रिंसिपल साहब लेटर लिखेंगे कि हमारे यहाँ ये लोग काम कर रहे हैं, इनकी सैलरी इतनी बनी, तो विभाग आपका पैसा भेजता है। ठीक है, तो विभाग से आपको पेमेंट होता है। खैर, अब चलिए आगे हम लोग चलते हैं कि इस लेक्चरर के पद में किस किस डिपार्टमेंट के लिए आया है, इसमें कैसे अप्लाई करना है, इसमें कोई एग्जाम तो नहीं है, तो इंटरव्यू है, इंटरव्यू बेस पे होना है, तो इंटरव्यू कब है और उसके लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की हमें आवश्यकता पड़ने वाली है, तो ये सारी चीजें हम लोग वीडियो में देखेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, ये जो वैकेंसी आई है ये लाई गई है प्रचार कार्यालय राजकीय पॉलिटेक्निक सहरसा से। अब इसमें क्या है कि जो रिक्त पद है उसके विरुद्ध अतिथि व्याख्याता के रिक्त पद पर 24 सितंबर को सुबह 11 बजे से प्रचार प्रकोष्ठ राजकीय पॉलिटेक्निक सहरसा में वॉक इन इंटरव्यू आयोजन किया गया है, यानी 24 सितंबर को 11 बजे दिन में राजकीय पॉलिटेक्निक में इंटरव्यू है। ठीक है, अब 24/9/2024 को आपको क्या करना है कि अपना बायोडाटा है और जितना भी आवश्यक डॉक्यूमेंट है, कागज है, उसके साथ वॉक इन इंटरव्यू में भाग लेना, यानी कि इनका कोई एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है, एप्लीकेशन फॉर्म की जगह काम करेगा कौन, आपका बायोडाटा, जिसको आप रिज्यूमे बोलते हैं या CV भी बोल सकते हैं। CV हर जगह की चीजें अलग है, बायोडाटा अलग चीज होता है, रिज्यूम अलग चीज होता है, CV अलग चीज होता है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है तो आप उस चीज को समझ लीजिए। ठीक है, इच्छुक अभ्यर्थी को साक्षात्कार के समय अपना सभी मूल प्रमाण पत्र, मूल प्रमाण पत्र का मतलब होता है ओरिजिनल एवं अनुभव संबंधित प्रमाण पत्र, अगर कोई एक्सपीरियंस है तो उससे रिलेटेड आप जो है ले जा सकते हैं, प्रमाण पत्र की छाया प्रति की मूल प्रतियां लाना अनिवार्य है, मतलब ओरिजिनल और उसका जेरोक्स दोनों चाहिए इनको। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पे रूल बताया गया है कि एक रूल है सरकारी, उसके हिसाब से अगर कोई सेवानिवृत्त है या पूर्व से किसी सरकारी संस्था में कार्य करने का उनको अनुभव है तो पहले प्रीफ्रेंस उनको मिलेगा, फिर बाद में आपको मिलेगा अगर आप फ्रेशर है तो। अब आगे के अतिथि व्याख्याता का यह कार्य अनुमति पूर्ण रूप से अस्थायी है, वैकल्पिक है और कार्यकारी व्यवस्था जो बिना किसी पूर्ण सूचना के कभी भी समाप्त की जा सकती है। अगर नियमित यानी रेगुलर या संविदा पर विभाग द्वारा नियोजन होता है, कोई आता है, तो ये आपका नौकरी ऑलरेडी खुद ब खुद समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए आप कोई दावा पेश नहीं कर सकते हैं। अब उसके बाद है कि यहाँ पे बोला गया है कि 100 बिंदु रोस्टर के अनुसार आरक्षण का पालन किया जाएगा, यानी अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो आपको रिजर्वेशन भी मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अतिथि व्याख्याता असैनिक यानी कि सिविल के लिए आया है।
ठीक है, और मैं देख पा रहा हूँ कि हर जगह सिविल का सीट खाली है। तो अखिल भारतीय AICTE के हिसाब से कम से कम बीटेक या बी होना चाहिए प्रथम श्रेणी में, यानी फर्स्ट डिवीजन जिसको बोलते हैं, फर्स्ट क्लास से। सेवा का अंशकालिक है, टेम्पोरी है, 1400 रुपये पर क्लास के हिसाब से 45,000 रुपये आपको अधिकतम दिया जा सकता है पर महीने। यहाँ पे CSE है, कंप्यूटर साइंस, इसमें भी बीटेक बी होना चाहिए और इसमें भी वही सारा चीज़ दिया हुआ है। इंटरव्यू देने के लिए आपको कोई भी इंटरव्यू से रिलेटेड खर्च नहीं दिया जाएगा। विस्तृत जानकारी संस्था के वेबसाइट gpshc.ac पर उपलब्ध है, ठीक है, इस पर आप चलेंगे, जाएंगे, देखेंगे, मैं दिखता हम लोग देखेंगे, यहाँ पे तो लिखा गया है कि उपलब्ध है, अब देखेंगे इस वेबसाइट पे जाके उपलब्ध है या नहीं। बाकी जानकारी यहाँ पे state.bihar.prd पे आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए प्रिंसिपल सर के लेटर पर चलते हैं। ये प्रिंसिपल सर का लेटर है, नोटिफिकेशन में डिटेल्स वही दी हुई है, यहाँ पे देख सकते हैं सारा कुछ दिया हुआ है। प्रिंसिपल सर का साइन यहाँ पे दिया हुआ है, ये प्रिंसिपल सर का साइन है 14/9/2024 का, ठीक है। अब इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं, जहाँ पे ये लिख रहे हैं कि इस वेबसाइट पे सब कुछ उपलब्ध है, तो चलिए देखते हैं उपलब्ध है कि नहीं है। अब दोस्तों देखिए, ये हमारा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सहरसा का ऑफिशियल वेबसाइट हमने ओपन कर लिया है, ठीक है। मैं पूरा स्क्रीन नहीं लिया हूँ, हमें जितनी की जरूरत है उतना ही पे हम काम करेंगे, इसीलिए मैंने उतना ही स्क्रीन लिया है जितना हमें जरूरत है, पूरा मैंने स्क्रीन नहीं लिया है। आप अपने मोबाइल में या लैपटॉप में या डेस्कटॉप पे इसको अपना खोल के देख लीजिएगा। अब उसके हिसाब से जब नीचे आएंगे आप, तो यहाँ पे देखिए ऑफिशियल वेबसाइट है GP सहरसा का, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का फोटो लगा हुआ और माननीय जो मिनिस्टर हैं हमारे साइंस टेक्नोलॉजी के सुमित कुमार सिंह, उनका भी फोटो लगा हुआ। अब यहाँ पे देखिए नोटिस, नोटिस में देखिए 14 सितंबर को हॉलीडे नोटिस यहाँ पे रिलीज किया गया है। 14 सितंबर के बाद यहाँ पे कोई नोटिस यहाँ पे नहीं है किसी तरीके का, ठीक है। 10 जून के बाद 14 सितंबर और एक हॉलीडे नोटिस है, बाकी कोई नोटिफिकेशन नहीं है, इस बहाली के बारे में अपडेट नहीं किया गया है। लेकिन पेपर में आया है और प्रिंसिपल साहब का लेटर भी मैंने आपको दिखाया है, तो इंटरव्यू है और मैंने जहां पे भी भेजा है वहां पे इंटरव्यू हुआ है, ठीक है। उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर आपको PDF चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं उसको अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। टेंडर में भी देखिएगा तो टेंडर में 10 जून के बाद कोई टेंडर नहीं है, प्लेसमेंट है इसमें कुछ नहीं है, अवार्ड है इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये रह गया आपका इनका ऑफिशियल वेबसाइट जिसके बारे में ये यहाँ पे लिख रहे हैं कि इस पर सारा जानकारी उपलब्ध है, जो कि उपलब्ध नहीं है, ठीक है। तो अब डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं, तो डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे तो सबसे पहला आपका हो गया बायोडेटा, ठीक है। दूसरा आपका हो गया 10th से लेके BTech तक का जितना भी मार्कशीट है, ठीक है, प्लस सर्टिफिकेट है ना। तीसरा आपका अगर कोई एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। चौथा, अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो रेसिडेंशियल जरूर लेके जाइएगा। अगर पांचवा, अगर आप OBC कैटेगरी से आते हैं तो OBC NCL ले लीजिएगा। SC ST है तो कास्ट ले लीजिएगा, EWS है तो EWS ले लीजिएगा। छठा, आपका आधार कार्ड होना चाहिए या पैन कार्ड या वोटर ID या ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी प्रूफ आपका एक होना चाहिए। सातवा, आपका जो है अगर गेट आप निकाल चुके हैं तो गेट का स्कोर कार्ड रख लीजिएगा। और बाकी जो है आठवां, दो फोटो आप ले लीजिएगा और इन सब का क्या कीजिएगा, दो सेट आप जेरोक्स करा लीजिएगा, फोटो को मत कराइएगा, दो सेट जेरोक्स करा लीजिएगा और इस पर सेल्फ अटेस्टेड करके लेके जाइएगा, ठीक है। वहां पे जेरोक्स रख लेंगे, ओरिजिनल वेरीफाई कर लिया जाएगा और फिर आपका वॉक इन इंटरव्यू शुरू किया जाएगा। इनका कोई अपना एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है, ठीक है, नहीं तो मैं बताता कि इनका एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपको भरना है, कैसे भरना है, क्या करना है, तो इससे इनका कुछ भी नहीं है। तो ये 24 तारीख को है, जाइए इंटरव्यू दीजिए। बाकी जो है मेरा काम आपको इन्फॉर्मेशन देना है, वो भी ऑथेंटिक, वो मैंने आपको दे दिया है, बाकी आपके और सिस्टम पर डिपेंड करता है कैसे चीज़ें चलती हैं। थैंक यू वेरी मच।